अपन नॉर्थ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है? बिल्कुल ही हम लोग तैयार हैं और इसी के तहत ये एनुअल मॉक ड्रिल होता है ताकि जो भी कुछ कमियां है तो उसको हम लोग और इम्प्रूव कर सकें और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकें। हमले का अलर्ट जारी हुआ, क्या मामला बताएं? इसमें 4:40 में मुझे सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम से कि इस तरह से सैपाऊ रोड पर लाड़खड़ा हनुमान जी मंदिर पे इस तरह की कोई घटना हुई है, वारदात हुई है। तो लगभग 3-4 मिनट के अंतराल से, क्योंकि मैं वहाँ ऑफिस से आया था और एकदम से रेडी पोजीशन था, एकदम से बैठ के यहाँ रवाना हुआ, आके देखा मैंने यहाँ काफ़ी लोग प्रिपेयर्डनेस थे। तो ये मकसद ये था कि हमारे प्रशासन पुलिस की कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कितना अलर्ट यहाँ का प्रशासन है। तो बाकी सब ठीक है, हमारे जैसे सिविल डिफेंस के हैं, SDO, तहसीलदार, पुलिस जाप्ता है पूरा, सभी थानों से नाकाबंदी करवाई गई यहाँ, पूरे जो हमारे पूरी बाउंड्री उसको कॉर्नर कराया गया सब तरफ से, जो पाइप्स के पीछे उनको आतंकवादियों की छिपने की थी उसका भी देखा गया, क्राइम सीन यहाँ बनाया गया और बम निष्क्रिय को कराया गया, जो अस्पताल पहुँचाने थे पेशेंट उनको पहुँचाने की सारी मॉकड्रिल करवाई गई। और मुझे लगता है कि अधिकांश समय यहाँ की व्यवस्था में संतुष्ट हूँ, लगभग प्रिपेयर्डनेस अच्छी पाई गई। एम्बुलेंस में थोड़ा टाइम लगा है, बट हमने उसके विकल्प के तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 108 एम्बुलेंस में जो टाइम लगा, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने हमारा फिलअप किया। मैंने स्टेट लेवल के अधिकारियों से बात की वहाँ 108 एम्बुलेंस वालों से, उन्होंने फिर इमीडिएट 108 वालों को ही भेजा, उसको हम दिखाएंगे। सर कुछ विभाग जो लेट लतीफ़ है उनके खिलाफ? हाँ, लेट लतीफ़ की बिल्कुल कार्रवाई होगी, 108 वालों से हम पूछेंगे कि इसमें इतना विलंब क्यों हुआ, ये कहाँ इनका लोकेशन था, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हमारी टीम ने, बाकी आपको डिटेल। थैंक यू सर।